सी चैप्टर टू वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर थ्री इवैल्यूएट, इसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। फर्स्ट को देखिए कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ वन क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ एट इंटू 125, दिस कैन बी रिटेन क्यूबिक रूट ऑफ एट इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 125, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आइए क्यूबिक रूट ऑफ एट, आपको मालूम है कि 2 होगा और 125 का क्या आएगा, 5 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्यूबिक रूट ऑफ 8 क्या है, तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 का क्यूब है इनटू क्यूबिक रूट ऑफ 125 क्या है, तो ये 5 का क्यूब है। मतलब ये हुआ कि इसका क्यूब रूट 2 आएगा और इसका क्या आएगा इनटू 5। फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। सेकेंड को देखिए, सेकेंड वन क्या बोल रहा है, क्यूबिक रूट ऑफ 3375 इंटू -729। अलग अलग कर लेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 3375 लिखेंगे, 3375 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ -729। अब इसका निकालेंगे पहले, इसको फिर एक बार लिखिए, क्यूबिक रूट ऑफ 3375 इंटू, ये माइनस निगेटिव है तो माइनस लिख लीजिए पहले, -1 आप लिख सकते हैं, माइनस इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 729। अब चलिए इसका क्यूबिक रूट निकालते हैं, फिर इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 3375 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3375 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो यहां निकालते हैं 3375, पहले किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से जाता हुआ दिख रहा है, 1 1 3 2 जा एंड 3 5 जा, फिर देख लीजिए 7 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 से 3 3 जा, 2 2 7 जा और 5 जा, फिर जाएगा 3 से 1 2 5, अब 5 से जाएगा, 5 से 25, फिर 5 से जाएगा 5 और, मीन्स इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहा है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, इसका ट्रिपलेट बना लीजिए, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। तो आप इसका क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 3375, इस ट्रिपलेट के लिए 13 और इस ट्रिपलेट के लिए 15, मीन्स 15 हो गया, ठीक है। अब आइए इसका निकालते हैं, ऐसे हमको मालूम है 9 का क्यूब होता है, तो लिख भी सकते हैं, लेकिन चलिए आप निकालना चाहेंगे तो 729 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 729 3 का होगा, 3 से यहां पर इसके बगल में निकालते हैं, लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 6 बार आ सकता है, 729 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, अब कितना से फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा एंड 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, 9 जा, फिर 3 से 3 टाइम्स जाएगा। तो क्यूबिक रूट ऑफ, पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिखे इसका, 729 का कितना, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यदि आपको याद है तो
लिख भी सकते थे कि 9 का क्यूब होगा 7 क्यूब रूट ऑफ 729 क्या आएगा, इस ग्रुप के लिए 13 होगा और इस ट्रिपलेट के लिए 13 कितना आया, 9 आया। अब इसका फाइनल आंसर इसका आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 3375 इंटू माइनस 729 इज इक्वल टू, देखिए इसका क्यूब रूट आप निकाले हुए 15 इंटू ये माइनस माइनस कितना, तो माइनस 729 का 9 आप इसे ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 15 9 या 135 होता है, माइनस 135 आएगा, दिस इज द वे। अब थर्ड का देख लीजिए, थर्ड इज नॉट डिफिकल्ट, इजी है। थर्ड क्या कहता है कि आप क्यूबिक रूट निकाले किसका, 4 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 का, तो आप लिखेंगे क्यूबिक रूट 4 पर पावर 3 इंटू क्यूबिक रूट 5 पर पावर 3, तो इसका क्यूबिक रूट 4 का पावर 3 है तो 4 आएगा और इसका क्यूबिक रूट 5 आएगा, 5 पर पावर 3 है, कितना हो गया 20 हो गया। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। यस, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहला ये है, क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 4913 बाय 3375। अलग अलग कर लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 4913 बाय क्यूब रूट ऑफ 3375। अब इसका निकालना होगा क्यूब रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 4913 ये कितना से जाएगा देखिए, तो ये 17 से जाएगा, ये तय हुआ, 2 से नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 10 का 17 3 से नहीं जाना है, 7 से नहीं जाना है, ये 17 से जाएगा, दूसरे किसी से नहीं जाएगा, ये नंबर 17 से जाएगा, क्योंकि ये 2 आपका 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाना है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई कीजिएगा, 7 से जा, ये 7 से नहीं कट रहा, नहीं जा रहा। अब आइए 13 से 11 से, 11 से तो इसको ये कितना हो रहा है 12 और ये 5, 12 माइनस 5 ये भी नहीं जाएगा। 13 से देख लीजिए, 13 टू गया 34, 39, 10, 101, फिर ये 13 से लगाइएगा, 7 टाइम्स 91, 101 आएगा, ओ सॉरी 10 ये आएगा 10 और ये 3, ये फिर नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाना है, ये 13 से नहीं तो अब 17 से बचता है, 17 से चला जाएगा, ये 17 से 2 टाइम्स जाएगा और देख लीजिए 17 से 2 टाइम्स, फिर ये जाएगा 34, कितना आ रहा है 34, 34913, 17 से 17 टू जा 34 हो गया, तो ये बचा 521, अब ये जाएगा 8 टाइम्स 31, ये कितना 1 आएगा, सॉरी यहां 1 होगा, 1 होगा, तो 1 ये कितना आया, ये आएगा 5 1, फिर 3 टाइम्स तो 9 टाइम्स आएगा, मींस 289 होगा यहां पर, फिर 17 से लगाइएगा, ये 17 आएगा, 17 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4913 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 17 इंटू 17,
So cubic root of 4913 is equal to 70. इसका ये अभी निकाले थे 15 आएगा. क्यूबिक रूट ऑफ निकाल लिए इसे पहले वाले वीडियो में निकाल ले, इसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हैं 75, तो ये 15 आएगा. तो फाइनली कितना हो रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 17 और इसका वैल्यू हो रहा है 15. तो यहां पर नहीं लिखकर हम लोग इधर लिखते हैं. सो क्यूबिक रूट ऑफ 4913 by 3375 is equal to cubic root of 4913 by cubic root of 3375 is equal to. अब इसका क्या निकाले तो 17, इसका क्या निकाले हुए हैं तो 15, 17 by 15 और. अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन इजी है, इसका 8 आएगा, इसका 7. ये मालूम है 8 का क्यूब होता है 512 और ये होता है 7 का क्यूब. तो इसको सिंपली आप ऐसे कर लीजिए, सेकेंड में क्यूबिक रूट ऑफ -512 बाई 343 है, तो आप लिखेंगे क्यूबिक रूट ऑफ 512 माइनस में -512 बाय कितना, तो क्यूबिक रूट ऑफ 343, ये होगा माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 512, माइनस को बाहर कर लेंगे और ये क्यूबिक रूट ऑफ 343 होगा. इसका 8 आएगा, माइनस 8 आएगा, इसका 7, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब है तो क्यूबिक रूट निकालेंगे 7 आएगा. ये 8 का क्यूब होता है तो क्यूबिक रूट ऑफ 512 इज 8, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे. इसको देखते हैं तो थर्ड में क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं 686 बाई 2662 लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा. और भी देख रहे हैं कि और भी ये कैंसिल होना चाहिए, तो इसको 2 से कैंसिल कीजिए, तो 2 से कैंसिल कीजिए, ये आएगा 343, इसको भी 2 से कैंसिल कीजिए तो 1 और 331 आएगा. देखिए 343 बाय 1331 आए. अब इसका क्यूब रूट निकालना है, मीन्स इसका क्यूब रूट निकालने का मतलब -686 बाय -2662 का मतलब क्यूबिक रूट ऑफ आप निकालेंगे 343 बाय 1331. अब यहां क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 343 बाय ये क्यूबिक रूट ऑफ क्या लिखेगा, क्यूबिक रूट ऑफ 1331. देखिए ये 7 का क्यूब होता है 343 7 का क्यूब होता है, अभी हम निकाले नहीं है तो 7 होगा ये इसका, और इसका क्या होगा, ये 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये इसका 11 आएगा, 7 बाई 11 आएगा. नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. 5400 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 5450 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो सीधी सी बात है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, 5400 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से जाएगा 2700,
फिर टू से जाएगा वन थ्री, वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव जीरो होगा, फिर ये टू से जाएगा कितना होगा सिक्स, वन फाइव है तो सेवन, वन जीरो फाइव, सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव होगा। अब ये थ्री से जा सकता है क्या, केवल यस थ्री से जाएगा, थ्री से गया तो थ्री टू जा और थ्री टू जा थ्री फाइव जा, अब ये फिर थ्री से चला जाएगा थ्री सेवन जा एंड थ्री फाइव जा, फिर थ्री से जाएगा ट्वेंटी फाइव, फिर फाइव से जाएगा फाइव जाएगा। मीन्स इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहा है, फिफ्टी फोर हंड्रेड का प्राइम फैक्टर्स हो रहा है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। अब ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाइए इसका, ये टू का ट्रिपलेट बन गया, थ्री का भी बन गया, फाइव का नहीं बना। फाइव का ट्रिपलेट बनने से ये परफेक्ट क्यूब होता, मतलब कि एक यदि यहां फाइव हो जाए तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, मतलब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो स्मॉलेस्ट, सो द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड लिखे, रिक्वायर्ड द स्मॉलेस्ट नंबर, सो द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू फाइव, रिक्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू फाइव, ये भी लिख सकते, इतना लंबा लिखना जरूरी नहीं है, रिक्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू फाइव लिख दीजिएगा, दैट इज द आंसर। नाउ फॉर द सेकेंड वन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है बाय विच दिस बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करें सो दैट द कोसेंट, कोसेंट मे बी ए परफेक्ट क्यूब, कोसेंट जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो वही काम करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखिए, किसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है 16384 का, तो यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे 16384 का, ये टू से जाएगा एट वन, वन एट आया, वन एट में नाइन टू, अब देख लीजिए टू से अभी जाएगा, टू से टू फोर, वन जीरो वन नाइन, वन नाइन आया, वन नाइन मीन्स से नाइन होगा, वन टू सिक्स, ये फिर टू से जाएगा टू जीरो और फोर, टू या एट एंड एट टू या सिक्सटीन, फिर टू से जाएगा तो वन जीरो टू फोर आएगा, ये फिर टू से, ये टू का पावर टेन होता है, टेन हंड्रेड ट्वेंटी फोर, टू आते जाएगा, टू से फाइव हंड्रेड ट्वेल्व आएगा, फिर टू से जाएगा ये आएगा टू फिफ्टी सिक्स आएगा, फिर टू से जाएगा ये आएगा वन ट्वेंटी एट आएगा, फिर टू से जाएगा 64 आएगा, फिर टू से जाएगा 32 आएगा, फिर टू से जाएगा 16 आएगा, फिर टू से जाएगा 8 आएगा, फिर टू से जाएगा 4 आएगा, फिर टू से जाएगा 2 आएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखिए, टू इंटू 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 टू, काउंट कीजिए कितना बार टू है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन
14 टाइम्स है, 14 है, कितना बार लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी चार बार और 2 into 2 into 2 into 2. अब हम 2 का ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाइए, ये 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बना, इस 2 का बना, इस 2 का 2 का नहीं बना. इसका कहना क्या है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस बी डिवाइडेड, इसको कितना से डिवाइड करे सो दैट द क्वोशेंट मे बी ए परफेक्ट क्यूब. तो यह जो दो नंबर जिसका ट्रिपलेट नहीं बनाया है, इस नंबर को हटा दे, इसको हटा दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तब जितने भी 2 है सबका ट्रिपलेट बन रहा है, इसी का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इस 2 को हटाना होगा. इस 2 को हटाना मतलब 4 है, 2 2 4 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, सो रिक्वायर्ड द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4. इतना ही लिखने से काम चल रहा है, रिक्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इसको डिवाइड करने से कोसेंट परफेक्ट क्यूब होगा, दैट विल बी द 4. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.